नंबर वन यार, अगर वर्ल्ड कप में बनाए तब होगा ना। अबे नहीं है वो नंबर वन यार, नंबर वन होगा वो, किस बात का नंबर वन है वो? फर्जी नंबर वन, एक मूवी बननी चाहिए, टाइटल वर्ल्ड कप होना चाहिए, कुछ है फर्जी नंबर वन। और आईसीसी को पकड़ के चपेड़े देनी चाहिए कि तुमने किस तरीके का सिस्टम रखा हुआ है कि ऐसे प्लेयर भी नंबर वन बन जाते हैं। चलो उस टाइम पे वो रन बना रहा था, नीम भी आने के अगेंस्ट बना रहा था। अरे वो छोटी मोटी टीमों के अगेंस्ट रन यार, नहीं बना गया छोटी टीमों के अगेंस्ट बनाओ तो कम रन मिलने चाहिए, कम पॉइंट मिलने चाहिए ना। नहीं देखो तू यार एक बात बता, तू नेदरलैंड के अगेंस्ट सेंचुरी मार रहा है, तू ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेंचुरी मार रहा है, फर्क रखनी है फर्क है तो फिर नेदरलैंड के अगेंस्ट भी जो बंदा सेंचुरी मारा उसको सेम पॉइंट दे रहे हो तुम। पर जो मर्जी छोटी है यार वो है, आपकी रैंकिंग सिस्टम ही गलत है। बाबर, बाबर के आज दिल क्यों टूट रहे हैं पाकिस्तानियों? वो सोचते थे हमारा बाबर तो नंबर वन है, यहाँ के आ गया नंबर वन हो गया वो, यहाँ पे आ गया हालत खराब हो गई उसकी, दो पजामे के क्या सलवारों के हो गए ना, सलवारों के नारे खुल गए, एक मिनट वो खुल गए, पजामे फट गए। आप लेजेंड्स की बात कर रहे हो अभी, सचिन सर, विराट। अच्छा हाँ तो बाबर की बात नहीं होनी चाहिए, बाबर की बात नहीं होनी चाहिए। हमने सचिन विराट को कंपेयर करा, इससे लोगों को क्लियर हो कि भाई किससे कंपेयर किया जाता है विराट को, बाबर से मत करो कंपेयर। बाबर कहाँ से आ गया जो लोग कहते हैं भाई, एक सेकंड, बाबर बाबर का बता रहा हूँ, कब से देख रहा हूँ मैं ड्रामा, तभी मैंने बोला शुभमन गिल ग्रेटर, शुभमन गिल से नाखून नहीं है उसका, शुभमन गिल का नाखून नहीं है बाबर। देखो शुरू होता है आपका एशिया कप, यूएई फ्लॉप, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप, टी20 में बात कर रहा हूं, जब नंबर वन हो टी20 में भी था वो, तो नंबर वन बन जाता है तुक्का लगा लगा के। टी20 एशिया कप फ्लॉप, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फ्लॉप, एशिया कप भी है फ्लॉप, अभी वर्ल्ड कप फ्लॉप। मैं चाहता हूं कि वो रन मारे, मैं अच्छी बता रहा हूं, मेरे को बहुत बुरा लगता है बाबर के रन नहीं आते तो, मैं मजाक नहीं कर रहा, दिल से बुरा लगता है ये, बिल्कुल मैं उसमें नहीं बोल रहा, जोक में नहीं बोल रहा। पाकिस्तानी भी चाहते हैं उसके रन आए, मैं भी चाहता हूं उसके रन आए, भाई वो मासूम आदमी है, बढ़िया बंदा है, कोशिश कर रहा है, क्यों ना आए रन भाई, किसी प्लेयर के लिए क्यों बुरा बोले। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि भाई वो बड़ा कोई ग्रेट प्लेयर है, पाकिस्तान के लिए ग्रेट प्लेयर होगा वो, इनफैक्ट पाकिस्तान में भी इससे बहुत बड़े बहुत बड़े बड़े प्लेयर आए भाई, ये पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से भी इतना बड़ा प्लेयर नहीं है। तो आप जबरदस्ती एक प्लेयर को ओवर हाइप करोगे तो कोई नहीं बचा सकता आपको। बाबर आजम ना 3 में ना 13 में, वी विश हिम ऑल द बेस्ट, मगर भाई विराट कोहली से एक ही आदमी का कंपैरिजन हो सकता है जिसका नाम है सचिन तेंदुलकर, और तीसरा प्लेयर नहीं हो सकता, वेब रिचर्ड से कर लो थोड़ा बहुत। अदरवाइज मॉडर्न डे की क्रिकेट जो होती है, जहां पे टी20 है, जहां पे टेस्ट मैच है और जहां पे वनडे भी है, इससे बड़ा प्लेयर इतिहास में कोई नहीं हुआ भाई, मिक्स करके तो कोई नहीं आसपास। आज तक के क्रिकेट के अंदर जितनी क्रिकेट आज हुई है, इससे बड़ा बैटर नहीं हुआ। अगर आप तीनों फॉर्मेट देख लो, वनडे भी देख लो, टेस्ट भी देख लो, टी20 भी देख लो, प्लस कैप्टेंसी ऑफ इंडिया, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन दैट रिगार्ड, नोबडी इज इवन क्लोज, प्लस आईपीएल खेला हुआ है। तो यार इसकी एनर्जी अभी भी सबसे बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है भाई, इसकी फिटनेस, रोज 100 मारना, इतनी डिफरेंट कंडीशन में 100 मारना, जहां पे डिहाइड्रेशन भी हो रही है, कहीं पे और माहौल। और आप, अच्छा आप 35 साल के हो, वो भी देखो, ये पुणे में 100 मार के आया, जहां पे डिहाइड्रेशन हो रही थी, जहां पे आपका ह्यूमिडिटी थी एयर में, आप सीधा गए हो धर्मशाला जहां ठंड का माहौल है, फॉग देखा था आपने, आ गया वहां में भी 100, मतलब 95 में 100 ही था ना, तो जल्दीबाजी में आउट हो गया। इसमें एक और पॉइंट ऐड करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, एक और पॉइंट ऐड करूंगा, बाकियों को आप रिजवान देख लो, आज का आप डैरियल मिशेल का शतक देख लो, बाकियों को शतक छोड़ो 80-90 के पहुंचने के बाद थकावट होनी शुरू हो जाती है, बाकियों को हमने देखा लेट रहे हैं, गर्मी इतनी लग रही है, उसमें डिहाइड्रेट हो रहे हैं प्लेयर्स, फिजियो आ रहा है, 3 लगातार मैचेस से मैं देख रहा हूँ कि भाई विराट पिच पर आ रहे हैं, रन बना रहे हैं, पिछले में सेंचुरी हुई, आज 95 बनाए, और एक बार नहीं लगे विराट थक गए, ये तो विराट को रेस्ट चाहिए, ये मतलब बताता है कि अगर आपको इस लेवल पर पहुंचना है, आपकी स्किल सेकेंडरी है, आपकी इतनी इतनी ज्यादा